दो केसेस आज आप लोगों को बताने आया हूं, जब आईसीए आपको ग्रेस मार्क्स देगी। जी हाँ, सही सुना आपने, ग्रेस मार्क्स देगी। क्या होता है ना, जैसे जैसे सीए के रिजल्ट नजदीक आते हैं ना, तो लोग अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं कि इस बार आईसीए आपको ग्रेस मार्क्स देगी, इस बार आईसीए आपको ग्रेस मार्क्स नहीं देगी। लेकिन जो सच है ना, वो मैं आज आप लोगों को बताने आया हूं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। उसके अलावा सीए इंटर और फाइनल की जितनी भी स्ट्रेटेजी प्लान 2024 की है ना, सब आपको मिलेगी इस चैनल पे। सीए फाइनल ऑडिट के लेक्चर्स मिलेंगे आपको इस चैनल पे 2024 के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम पे सारी अपडेट्स आपको मिलेगी, तो उसको ज्वाइन कर लेना। सर सबसे पहला तो कंडीशन बता दो, सबसे पहला कंडीशन क्या है ना, अगर तो कोई भी पेपर टफ है ना, तो आपको उसकी ग्रेस मार्किंग मिलती है, आईसीए आपको देता है। लेकिन जो भी इजी एवरेज पेपर है ना, उसमें एक मार्क की भी ग्रेस मार्क्स आप एक्सपेक्ट मत करना। मैं चाहूं तो लाइक्स बटोरने के लिए मैं आपको झूठ झूठ बोल दूंगा कि मेरे को इंटरनल सोर्स से न्यूज आई है कि आपको इस मार्क इस सब्जेक्ट में ग्रेस मार्किंग मिलेगी, लेकिन नहीं सर, जो सच है ना वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पिछली बार सीए फाइनल ऑडिट में ग्रेस मार्किंग मिली थी, पेपर टफ था। सिमिलरली इस बार सीए फाइनल एफआर का पेपर थोड़ा टफ था, तो एक्सपेक्टेशन है कि इस बार आईसीए आपको ग्रेस मार्क्स देगा। इंटर में भी जो पेपर टफ थे ना, उसके लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको ग्रेस मार्क मिलेगी, लेकिन इजी एवरेज के लिए आपको एक मार्क का भी ग्रेस नहीं मिलेगा। अब बात करूं मैं दूसरे कंडीशन की, तो दूसरी कंडीशन क्या है ना, देखो सर आपके एक ग्रुप में चार पेपर होते हैं, चार में से तीन पेपर ने अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया और एक पेपर का 35 भी है ना, तो आईसीए वो 35 को 40 करता है, 34 को 40 नहीं करेगा, लेकिन 35 को वो 40 करता है, तो वो एक सेकंड कंडीशन है। तो ये दो कंडीशन में आपको ग्रेस मार्क मिलेगी। लोगों को साथ शेयर करो वीडियो, क्योंकि उनको आईसीए ग्रेस मार्किंग पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो अफवाहों में वो लोग आ जाते हैं कि इस बार ग्रेस मार्किंग मिलेगी, सबको मिलेगी, इसको मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी सर। अगर तो टफ पेपर है तो सबको मिलेगी, और कंडीशन नंबर टू, तीन पेपर में अच्छा किया तो फिर मिलेगी, ऐसे सबको हवा में ग्रेस मार्किंग नहीं मिलता है। ठीक है सर, मैं चाहूं तो लाइक्स बटोरने के लिए आपको कुछ भी झूठी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं, लेकिन ये ग्रेस मार्किंग की पॉलिसी तो सच है, वो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट आएगा, सारी स्ट्रेटेजीज, प्लान्स, गाइडेंस सब आएगा। ठीक है, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एंजॉयिंग एंड कीप लर्निंग समथिंग न्यू।